तो देखो आज हम करने वाले हैं iPhone 15 Plus के अंदर BGMI टेस्ट, लेकिन यहाँ पर ये होगा बैटरी ड्रेन के साथ में। FPS का मैं आपको पहले वीडियो बना के दिखा चुका हूँ, तो चाहिए तो आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। तो चलो यहाँ पर इसमें जो ग्राफिक सेटिंग्स वो आपको पता ही है, स्मूथ प्लस 60 आता है। बाकी जो प्रोसेसर है यहाँ पर वो है एप्पल का A16 बायोनिक चिप। जो फोन का टेम्परेचर अभी फिलहाल है 32 से 34 डिग्री के आसपास, और जो बैटरी है अभी इसके अंदर 44% पर। तो यहाँ पर अभी ये चेक करेंगे कि एक घंटे की गेमिंग के बाद में कितना परसेंट बैटरी ड्रॉप करता है, और टेम्परेचर ओवरहीट वगैरह जैसा कुछ होता है या नहीं होता वो पता करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में आपको मैं FPS नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको FPS दिखाया तो मुझे केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी पीसी पे, तो वहां पर फोन हल्का हल्का चार्ज होगा। तो इसके लिए मैं आपको विदाउट FPS आपको चीजें बताने वाला हूं। और जैसे ही कहा, अगर आपको FPS के साथ चीजें देखनी है तो आप वो आई बटन पे वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो। तो यहाँ पर हम लोग TDM नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि TDM पे देखो बात सिंपल है, स्मूथ पर एक्सट्रीम पर बहुत अच्छे FPS आ रहे हैं, 60 एकदम कॉन्स्टेंट आते हैं और कोई इशू नहीं है। जायरोस्कोप टच रिस्पॉन्स को लेकर भी कोई ऐसा बिग नो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ने शैनॉग इरांगल के मैचेस खेल के देखे हैं, और इतना है जितनी बार हम लोग ने यहाँ पर स्टार्ट का 30 मिनट अगर मैं आपको बता दूं पहले, तो वहां पर बहुत अच्छी तरीके से ये FPS को या फिर कोई ऐसा स्क्रीन जिटर वगैरह कुछ नहीं लगता, एकदम ऐसा स्मूथ फ्लॉलेस वाला जो सीन चलता है ना वैसा चलते रहता है। बाकी देखो अगर आप लोग ऐसे ही बैटरी ड्रेन वाला वीडियो देखना चाहते हो, चाहे वो कंपैरिजन हो फॉर एग्जांपल iPhone 15 प्लस वर्सेस iPhone 14 प्लस स्मूथ एक्सट्रीम पे, या फिर HDR एक्सट्रीम पर 60 FPS कैसे वर्क करता है, कितना बैटरी ड्रॉप करेगा, तो उस तरीके की वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे 4000 का लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देना, साथ में सब्सक्राइब कर लेना, ताकि उस वजह से हम लोग इस चैनल को बेस्ट गेमिंग चैनल बना सके, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कमेंट करके बता देना कितनी वीडियो की रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा। अरे बन लग रहा गोली। Thank you.
तो अभी तक हाफ एन आवर हो चुके हैं खेलते खेलते, फोन का टेम्परेचर समवेयर कुछ 35 डिग्री के आसपास देखने मिल रहा है और जो बैटरी अभी आ चुकी है वो 37% पर है। तो अभी तक यहाँ पर हाफ एन आवर में 7% का बैटरी ड्रॉप हो चुका है। तो स्मूथ पर 60 पे वर्डिक्ट इतना है, हाफ एन आवर के अंदर फोन कोई ज्यादा ऐसा ओवरहीट जैसा फील भी नहीं हो रहा है, प्रॉपर 60 वाले कांस्टेंट एफपीएस दे रहा है। अब नेक्स्ट हाफ एन आवर में देखते हैं कितनी है परसेंट बैटरी ड्रॉप करता है। तो अभी हम लोग फाइनल आ चुके हैं आईफोन 15 प्लस पर। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, 60 FPS चाहे आप स्मूथ में खेलो, HD में खेलो, बैलेंस में खेलो, तीनों पर आपको कांस्टेंट 60 मस्त तरीके से देने वाला है। चाहिए तो मैं आपको फिर से बोल देता हूं, FPS वाला वीडियो बना है, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। अभी 1 आवर की गेमिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर फोन के अंदर अभी जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री 36 के आसपास ही आ रहा है। और हाफ एन आवर में हमारी जो बैटरी आई थी 37% पर, अभी वो पूरा 1 आवर पे आने के बाद में 29% हो चुकी है, यानी कि 8% का ड्रॉप हो चुका है। और अगर मैं 1 आवर का ओवरऑल बताऊं, सो 15% तक का बैटरी ड्रॉप एज ऑफ नाउ मुझे देखने मिल चुका है 1 घंटे की गेमिंग पर, स्मूथ और एक्सट्रीम पर। और ओवरहीट जैसा मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है, प्रॉपर ये 60 FPS करवा देता है। अगर आप कॉन्स्टेंट 1 घंटे की गेमिंग करते हो और 1.5 घंटे की गेमिंग करते हो तो आपको अच्छी तरीके से FPS मिलेंगे, इवन बैटरी लाइफ भी अच्छी आ जाती है। क्वेश्चन अगर होगा कि 90 FPS आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि डिस्प्ले 60 हर्ट्ज पे ही कैप्ड है, तो आपको वो प्रो सीरीज पे ही देखने मिलेगा 90 हर्ट्ज की गेमिंग। और जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर आप आईफोन 15 प्लस का HDR प्लस एक्सट्रीम का बैटरी ड्रेन देखना चाहते हो, या फिर अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हो आईफोन 15 प्लस का गेमिंग के अंदर, तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना या फिर लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देना। और जैसे मैंने कहा, इंडिया का बेस्ट गेमिंग चैनल बनना है हमको, तो सब्सक्राइब मार देना। चलो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट और एक मजेदार वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।